नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम आप सभी को काफ़ी दिनों बाद पॉलिटेक्निक चौराहे से मणियाहू तक नेशनल हाईवे 135 से जौनपुर टू मणियाहू वाला रोड है। ये मणियाहू भदोही वाला ये रोड है जो आप देख पा रहे होंगे, ये सीधे मणियाहू चला जाता है। यह रोड अभी हम इस सर्कल पर हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर। आपको बता दें कि एम्बुलेंस वाले को लौटाया जा रहा है, जबकि एम्बुलेंस वाले को जाने दिया चाहिए। एम्बुलेंस वाला अगर रॉन्ग साइड से भी आ रहा है तो इमरजेंसी से भी आ रहे हैं। और बता दें कि जो बैरिकेड लगा हुआ, बैरिकेड पूरा काफ़ी आगे तक लगा, उनको डांक के काफ़ी देर जाना पड़ेगा होगा, तो कुछ सेकंडों में जाने चले जाते हैं, आपको पता होगा। तो ये भाई साहब को देखिए, पुलिस के द्वारा इसको वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, दो पार्ट में यह वीडियो रहेगा, जौनपुर टू मणियाहू और मणियाहू टू भदोही, यानी पार्ट वन पार्ट टू में यह वीडियो रहेगा आपको नेशनल हाईवे 135 ए का। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पॉलिटेक्निक चौराहे से मणियाहू तक नेशनल हाईवे 135 ए का फुल अपडेट। बता दें कि हम निकल पड़े हैं मणियाहू की ओर, यानी पॉलिटेक्निक चौराहे से हम निकले हैं। हम आपको एक पूरा वीडियो दिखाएंगे नेशनल हाईवे 135 ए का, पूरा नज़ारा दिखाएंगे, कहाँ कहाँ क्या वर्क हो रहा है, क्या वीडियो में कमी आ रही है, आप लोग जरूर बताइएगा। और एक बात और बता दें आप सभी को, यह जो मार्ग है काफ़ी दिनों से बन नहीं पा रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है, क्या मतलब कुछ गड़बड़ी है, NHAI की ओर से कुछ इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो काफ़ी दुखद है। ये चौड़ा होने के बावजूद भी जाम लग जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी हमको लग रहा है और भी चौड़ा करना पड़ेगा, जिस हिसाब से नेशनल हाईवे जाम लग रहा है। तो नेशनल हाईवे पे अभी यहाँ पे देखिए, रोड तो बन गया है लेकिन डिवाइडर नहीं लगे हैं। और बाकी बात और बता दें आप सभी को कि चांदपुर फ्लाईओवर चढ़ने से पहले एक बाएं तरफ रास्ता चला जाता है सिटी स्टेशन, एक दाहिनी तरफ, तो बाएं तरफ वाला रास्ता पूरा मतलब चालू है पूर्ण रूप से। बाएं तरफ से लोग आते हैं, बाएं तरफ से लोग जाते हैं, और क्यों दाहिनी तरफ का रोड नहीं बनाया जा रहा है, उसके पीछे का क्या मतलब मैटर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और NHAI उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे सुबह शाम रात दोपहर हमेशा जाम लग जाते हैं जब ट्रेनें आती हैं। देख रहे हैं उधर से कोई वाहन सही से आ नहीं पा रहे हैं, उधर का लोग काफ़ी मतलब दिक्कत सामना होना पड़ रहा है, इधर से लोग आ जा रहे हैं, रथ से आवागमन हो रहा है। तो चांदपुर फ्लाईओवर पे फाइनली हम चढ़ चुके हैं और जौनपुर टू मणियाहू नेशनल हाईवे 135 से। और बात हो रही थी साथियों नेशनल हाईवे 135 से का क्यों काम पूरा नहीं हो पा रहा है, वही आप देख लीजिए, जौनपुर टू लखनऊ वाराणसी वाला नेशनल हाईवे काफ़ी तेज़ी से बन जाता है। और देख लीजिए आप, मछली शहर मुगरा बादशाहपुर वाला रोड काफ़ी जल्दी बन जाता है। आखिर इस पर क्यों नहीं फोकस दिया जा रहा है, आखिर इस पर क्या मैटर चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, विंध्याचल 76, मिर्ज़ापुर 68, भदोही 40 और दुद्धी 223, रेणुकूट 213 और रावर्सगंज 145। तो ये है नेशनल हाईवे 135 ए। बता रहे साथियों, इसी के बाद से रोड का हम नज़ारा दिखाएंगे। ये फ्लाईओवर है वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ फ्लाईओवर, ये वाराणसी चलाता है, इधर लखनऊ चलाता है सुल्तानपुर। तो इसके बाद का भी हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है नेशनल हाईवे की ओर से यह रोड। ये देखिए टूटे फूटे रोड है, कोई कहेगा ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे की नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा जगह जगह गड्ढे, जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे, बारिश में लोगों को काफ़ी ज़्यादा आवागमन में दिक्कत होती है। यही नहीं, आगे तो इससे बड़ा बड़ा गड्ढा है, इसमें हम काफ़ी फोकस हम भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देख रहे हैं हम रोड का नज़ारा, रोड की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये नेशनल हाईवे 135 ए का रोड है, पूरा धूल धूल इधर मचा हुआ है। ये फूलपुर का नज़ारा है, मदारपुर फूलपुर देख पा रहे हैं किस प्रकार का रोड की हालत, बारिश में क्या हालत होगी। ये देखिए रस्सेदार,
यहाँ पे मिलता है, फेमस रसीदारपुर का। तो यही नज़ारा है, देख रहे हैं गड्ढों को, तो हम लग रहा है गड्ढे तो फाटे गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्त की बात होती है लेकिन गड्ढा मुक्त होता नहीं है। नेशनल हाईवे 135 एक पे जाके देखिए, अगर आपको इस रोड पे अगर चलना है तो सावधान होकर चलिए। हम आप सभी से यही आग्रह करते हैं कि जौनपुर टू मड़ियाँ वाले अगर रोड पे आप रात्रि में सफ़र कर रहे हैं तो इमरजेंसी हो तभी सफ़र करिए, तभी जर्नी करिए बाई रोड। पूरा रोड जर्जर की स्थिति में विलुप्त हो चुका है, रोड का पता नहीं चल पा रहा है, रोड कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। और NHAI की टीम कहाँ सो रही है इसका कोई पता नहीं चल रहा है। और नेशनल हाईवे की बात होती है कि काफ़ी बढ़िया रोड, काफ़ी अच्छा रोड बनाया जा रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि जौनपुर टू मड़ियाहूँ भदोही वाला रोड 2024 में कंप्लीट हो पाएगा, इन हिसाब से देखने को लग रहा है। तो जैसे ही हम आगे बढ़े यहाँ देख पा रहे हो चौड़ीकरण कुछ प्रकार का हो जा रहा है। रंगदियालगंज के पहले का ये नज़ारा है, इधर देखिए चौड़ीकरण के लिए पूरा गिट्टी गिरा दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। और इधर भी समतलीकरण का कार्य होना बाकी है। और यहाँ देखिए साथियों की चौड़ीकरण चला आ रहा है, उधर गाने को तोड़ा गया है, जगह जहाँ पेड़ उड़ा उसको काटा गया है। अभी हम आगे चलते हैं, आगे का क्या नज़ारा है, फिलहाल रंगदियालगंज आने वाला है। इधर गिट्टी उट्टी डाल के पूरा समथलीकरण कर दिया गया कुछ दूरी तक, रसायना के पहले कहीं नज़ारा। देख पा रहे होंगे अभी भी मतलब सावधान होकर चलना पड़ रहा है, हिसाब से गड्ढा यहाँ पे जगह जगह रास्ते में मिल जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि एक्सीडेंट कभी हो सकती है। सामने आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का बड़े वाहनों का वर्जित किया गया है, बैरियर लगाया गया है, पूरा देखिए बड़े वाहनों को लग रहा है इस समय यहाँ पे नो एंट्री हो गई है। रंगदियालगंज जब पहले का ये नज़ारा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी तेज़ गति से काम चालू हो चुका है, पूरा अभी हम आगे का पूरा व्यू दिखाएंगे। और यहाँ से समतलीकरण का जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। ये रंगदियालगंज मार्केट के पहले का व्यू है, तैयार हो गई है और हम रंगदियालगंज मार्केट पे एंट्री कर चुके हैं साथियों। देखिए ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी आ रही है ट्रैक्टर पे लगकर, रंगदियालगंज मार्केट का सीन है आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी घना मार्केट है, आपको पता ही होगा रंगदियालगंज मार्केट पहले की अपेक्षा काफ़ी गुना हो चुका है, मतलब काफ़ी बढ़िया हो चुका है। काफ़ी घना मार्केट भी है साथियों। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग आज का जो अपडेट है, काफ़ी दिनों के बाद आपका भाई देखिए नेशनल हाईवे 135 का अपडेट लेकर आ चुका है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पे सावधान का जो बोर्ड लगा हुआ है, सई नदी की स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण आगे रास्ता बंद है, जबकि यहाँ पे बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित है, भारी वाहन का। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे पूरा व्यू दिखाते हैं। तो बता दें कि बैरिकेड कर दिया गया है, पीछे आप देख पा रहे होंगे उधर बैरिकेड कर दिया गया है, बड़े वाहनों को वर्जित कर दिया गया है। और
पुल तो क्षतिग्रस्त है ही, इस पर हम काफ़ी वीडियो भी बना चुके हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है बड़े वाहन अगर आए इस पर। देख रहे हैं जर्जर की हालत में सही नदी का पुल, कुछ हिस्सा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा मतलब रेलिंग कट चुका है। रमदियालगंज में बन रहे नए पुल का अपडेट, अभी कोई अपडेट नहीं है साथियों, देख पा रहे हैं पिलर खड़े हो चुके हैं। तो रेलिंग की बात हो रही थी, रेलिंग काफ़ी जर्जर है की स्थिति में है, एक पिलर इधर भी बन के तैयार होगा। तो चलिए हम आगे का सफ़र कराते हैं, आगे पूरा भी दिखाते हैं। बीमूम बन के तैयार हो रहा है, इधर पूरा बीमूम तैयार हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। जैसे हम आगे बढ़े देखिए, पहले की अपेक्षा पेड़ों को देखिए काट दिया गया है पूरा, पेड़ कटाई हो चुकी है दोनों तरफ। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं रमदियालगंज के आगे। लगातार इस रोड पे निकल आए और जल्दी देखिए पेड़ कटाई, चौड़ीकरण देखिए कितनी ज़्यादा चौड़ी हो गई है रोड, देख पा रहे हैं। आने वाले समय में यह रोड हमको लग रहा है लखनऊ की तो टक्कर नहीं दे पाएगी, लेकिन और भी जगहों की अपेक्षा इस रोड को टक्कर देने का काम करेगी यह रोड, जौनपुर टू भदोही मिर्जापुर वाला रोड। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है इसका व्यू हम आपको दिखा रहे हैं सीधे लाइव। तो देखा जौनपुर का ये नज़ारा आप देख पा रहे हो, जौनपुर का ये रास्ता चला जाता है और इधर मरियाहू का, कि लगातार NHAI की टीम की ओर से यहाँ पे पानी का छिड़काव हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पूरा इसका पानी छिड़काव हो रहा है ताकि जो धूल है पूरे ना ज़्यादा, जो बड़े वाहन काफ़ी तेज जाते हैं उनके कारण काफ़ी धूल उड़ती हैं, तो धूल उड़े ना। अब बता दें कि एक तरफ रोड बनाया भी जा रहा है रमदियालगंज के आगे का ही नज़ारा है, इधर मशीन लगी हुई है रोड को बनाया जा रहा है। जो लेटेस्ट अपडेट है आपको सीधे हम दिखा रहे हैं लाइव, ये देखिए अलकतरा उतरा पर बिछा दिया गया है। और इधर का देखिए रोड कुछ दूरी तक बन के तैयार हुआ है, देखिए रोलर चल रहा है इस पर, रोलर माध्यम से इसको बैठाया जा रहा है। सब कुछ कुछ दूरी पे रोड बना दिया जा रहा है डामर वाला, ये वाला तो आगे से एक बार फिर देखिए डाइवर्ट होते हैं दूसरे लेन में जाते हैं। अगर देखिए किसी भी मंदिर का कोई अभी कार्रवाई नहीं हुआ है, मंदिर का भी स्थान वहीं पे है, फिलहाल दोनों तरफ का रोड इधर देखिए बने तैयार हुआ लग रहा है, काफ़ी दिनों से ये बना हुआ है।
ये जाली है रोड के ऊपर, जब गिट्टूटी पड़ती है तो इसमें जाली वाली लगती है मोटी वाली। और बता दें कि पाली बाजार के पहले से रोड जर्जर पूरा, पाली बाजार पहले का रोड पूरा ख़राब है, अभी गिट्टूटी पड़ी उसी तरह। कि ये पुराना वाला मलबा ला के इसी में मिक्स कर दे रहे हैं, हमको लग रहा है, देख रहे हैं पुराना वाला मलबा उखाड़ के इसी में ला के मिक्स कर दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि नया वाला प्रयोग किया जाए। देख रहे हैं पुराना वाला मटेरियल उखाड़ के इसी वाले में मिला दे रहे हैं, तो हम चाहें कि नए मटेरियल का इस्तेमाल हो, पुराने मटेरियल का इस्तेमाल ना हो। तो जिस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे रोड जगह जगह ख़राब हो जाती है, तो यही कारण है कि मिक्स कर देते हैं पुराना मटेरियल नए मटेरियल मिक्स कर देते हैं, तो उससे रोड जल्दी ख़राब हो जाती है, गड्ढा हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, हम आग्रह करते हैं नेशनल हाईवे के अधिकारियों से, उनकी टीम से, कि इस तरह के मिलावटी का काम ना करें ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। पाली बाजार है साथियों, पाली बाजार का नज़ारा देख पा रहे हैं किस प्रकार का है। अभी पाली बाजार में चौड़ीकरण हुआ नहीं है सही से, अभी और चौड़ीकरण होना बाकी है, देख पा रहे हैं लोग अभी काफ़ी मतलब यहाँ पे भी चौड़ीकरण होना है। और पाली बाजार में देखिए गणपति बप्पा की मूर्ति बैठाई गई है, गणपति बप्पा विराजमान है पाली बाजार में। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं शीतलगंज बाजार की ओर, तो शीतलगंज बाजार का भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियो को आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। पार्ट वन में आपको जौनपुर टू मड़ियाँव रहेगा और पार्ट टू में मड़ियाँव टू भदोही। तो साथियों पाली बाजार के आगे जब बढ़ेंगे आप, तो दाहिने बाएं तरफ रोड को बनाया गया कुछ दूरी तक, और दाहिनी तरफ का रोड अभी बनाया नहीं गया। शीतलगंज बाजार में देखिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, शीतलगंज बाजार का भी नज़ारा दिखाएंगे आप सभी को। तो शीतलगंज बाजार के आगे का नज़ारा आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का है। साथियों अभी तक देखिए इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, चाहेंगे कि नेशनल हाईवे की टीम थोड़ा ध्यान दे कि जहाँ जहाँ मतलब चौड़ीकरण नहीं हुआ उसको जल्द से जल्द चौड़ीकरण करें और इस रोड को फाइनल करें, क्योंकि ज़्यादा डिले करने से कुछ होने वाला नहीं है, जितना डिले ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शीतलगंज बरम बाबा के पास का ये नज़ारा है, यहाँ पे देखिए डिवाइडर लगना चालू हो गया है, डिवाइडर यहाँ से बनना चालू हो गया है, आप देख पा रहे होंगे इधर से डिवाइडर लगना चालू हो गया है, इधर से ट्रेन और इधर से डिवाइडर बनते हुए आ रहा है, और यहाँ साइड से डिवाइडर बनते हुए आ रहा है। पेट्रोल पंप के पहले का नज़ारा है बरम बाबा पेट्रोल पंप के पास, मशीनें लगातार लगी हुई हैं और देखिए डिवाइडर जब बन के तैयार हो गया है। साइड साइड में देख पा रहे होंगे मट्टी गिराने का काम चल रहा है अभी भी। शीतलगंज बाजार के आगे का नज़ारा है, मड़ियाँव साइड का नज़ारा है, मट्टी गिराया जा रहा है। सामने का दृश्य देख पा रहे हैं कार का पूरा धूल धूल। इस रोड पर अगर आप आइए तो सुरक्षित आइए। यहाँ पे देखिए कुछ प्रकार का चौड़ीकरण हुआ है, मड़ियाँव के पहले का ये नज़ारा है। देख पा रहे हैं इधर गड्ढे काफ़ी परेशान कर रही है यात्रियों को, जो रागी रहे उनको काफ़ी परेशान कर रही है गड्ढे, नेशनल हाईवे के गड्ढे।
बड़े बड़े गड्ढे जानलेवा है, जो आप देख पा रहे हैं गड्ढे रात्रि में जानलेवा का काम करते हैं। यही गड्ढे बहुत लोग जीवन ले लेती है, तो हम चाहेंगे कि NHAI की टीम इस पर विशेष ध्यान दे, जहाँ गड्ढा हो रहा है उसको स्पैच करे। लखनऊ जैसे रोड को आप लोग जब ध्यान देते हैं, आजमगढ़ वाले राजमार्ग पर ध्यान देते हैं, मुरादासापुर प्रतापगढ़ वाले पर जब ध्यान देते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदार NHAI की टीम होगी, और लगातार इस पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदार NHAI है। और देखिए मड़ियाँ बाईपास, मड़ियाँ बाईपास का ये रास्ता जा रहा है, इसका जल्द वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। मड़ियाँ बाईपास का ये व्यू है, बाईपास जा रहा है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो कोई विशेष कार्य चल नहीं रहा है, तो उसका लॉन्ग वीडियो आप सभी को बहुत जल्द आएगा। फिलहाल आज हम आप सभी को नेशनल हाईवे 135A का संपूर्ण वीडियो जानकारी के साथ दे रहे हैं। गड्ढे की कोई गिनती नहीं साथियों, जैसे ही शीतलगंज के हम आगे बढ़े, मड़ियाओं की ओर बढ़े, तो ऐसे आप देख पा रहे हैं गड्ढों की पूरा लाइन लगी हुई है, देख रहे हैं ये गड्ढे पूरा, मतलब जानलेवा गड्ढा है, गड्ढा नहीं है, तो आप एक आम गड्ढा मत समझिए, जानलेवा वाला गड्ढा है साथी। इस प्रकार का हादसे हो रहे हैं गड्ढों से, गाड़ी लड़खड़ा जा रही है, ट्रक की चपेट में आ जा रहे हैं यात्री लोग, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे NHAI की ओर है। इधर का रोड बनाया गया है, मड़ियाओं में पहले शीतलगंज बाजार के आगे रोड बनाया गया है, नहर दिखा दें आपको साथियों। देखिए हम मड़ियाओं बाईपास वाले रास्ते पे जा रहे हैं, फिलहाल सीधे आप चले जाएंगे तो मार्केट है, मड़ियाओं मार्केट, और हम अंदर नहीं आएंगे, हम बाहर से जाएंगे क्रॉसिंग की ओर, बाईपास की ओर। तो बाईपास का भी हम नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, बाईपास भी कितना चौड़ी हुआ है, इधर डिवाइडर नहीं लगा साथियों, आ रहे होंगे क्रॉसिंग के पहले का ये नज़ारा है जो आप को हम दिखा रहे हैं, चौड़ीकरण इधर भी हो रहा है, इधर भी चौड़ीकरण किया जा रहा है, दोनों तरफ चौड़ीकरण इधर भी किया जा रहा है, मजदूर भाई इधर भी लगे हुए हैं,